नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे स्टॉक की दोस्तों जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा दबाव में चल रहा है। निचले स्तरों से इसने एक बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी, लेकिन बाजार की बड़ी गिरावट के साथ स्टॉक ने भी एक बड़ी गिरावट दिखाई। पिछले कुछ समय से बड़ा वॉलेटाइल चल रहा है दोस्तों, लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो आने वाले समय में स्टॉक में बहुत मतलब बहुत ज्यादा बुलिश है दोस्तों। क्यों वो बुलिश है, स्टॉक ने ऐसा क्या कर दिया है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टॉक इस पूरे सेक्टर में चल रही थी वो कैसे आने वाले समय में दूर होने वाली है, और ये समय बहुत शानदार हो सकता है फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्पस। क्या है पूरा मामला, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, एनालिस्ट क्यों बुलिश है, इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव बहुत एजुकेटिव ये होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए एस्ट्रल लिमिटेड, ठीक है, क्या एस्ट्रल लिमिटेड 0.10% की गिरावट है दोस्तों, ये 0.10% की ये बड़ी गिरावट है, ठीक है। और इतना नहीं दोस्तों, जो मैंने आपसे पहले कहा था कि निचले स्तरों से एक बड़ी तेजी आई थी, तो आप देखें पिछले एक महीने में स्टॉक ने, बल्कि 6 महीने में अगर मैं जाऊं तो बीच में आप ये देख रहे हैं ये जो गिरावट आई थी लगभग 1870 की, यहां से स्टॉक ने आप देखें तो एक समय में ऑलमोस्ट 14% की तेजी दिखाई थी, ठीक है। वहां से स्टॉक वापस से गिरावट दिखाया और एक समय में 1890 जो कि एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इसका दोस्तों, वहां से वापस बाउंस बैक दिखा रहा है, ठीक है। आप एक चीज देखिए, एस्ट्रल के लिए दोस्तों करेंटली ना जो ये 1890 है ना, 1890 से लेकर के 1850, देखिए स्टॉक महंगा है स्टॉक बड़ा है तो 40-50-60 रुपए का आपको एक विंडो रखना पड़ेगा। तो ये जो 40 रुपए का लेवल है ये दोस्तों बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। ये जो सपोर्ट है इसका एस्ट्रल के लिए तोड़ना बहुत बहुत टफ है। देखिए टच कर लेना, इवन एक दिन क्लोजिंग बेस पे बंद हो जाना, उसके बाद अगले दिन बाउंस करना, ये एक स्टॉक करने वाला है, ठीक है। इसे कहा जाता है अगर सस्टेनेबल कर जाता है एक दिन तो फिर जो रेजिस्टेंस रहता है ना दोस्तों वो वापस से आप कह सकते हैं, अगर रेजिस्टेंस टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, और अगर सपोर्ट टूट कर एक दिन सस्टेन हो जाता है तो वो फिर रेजिस्टेंस बन जाता है। तो एस्ट्रल के लिए करेंटली 1870-1890 जो ये लेवल है ना ये बहुत स्ट्रांग है दोस्तों एज अ सपोर्ट, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। क्योंकि देखिए पिछले जो समय में इसमें आपके लीजिए गिरावट थी या जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी, मार्जिन गायब थी क्योंकि जो पीवीसी के प्राइस है वो बहुत ज्यादा गिर चुके थे, डिमांड में कमी थी, इसके साथ साथ दोस्तों जो कह लीजिए इनपुट कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसके कारण स्टॉक में प्राइसिंग प्रेशर बहुत था दोस्तों। प्लस इसने जो कह लीजिए अन्य जो इनके बिजनेस, जो इनके सैनिटरी बिजनेस है और जो बाकी बिजनेस है दोस्तों, उसमें इन्होंने पैसे नहीं बढ़ाए टू गेन मार्केट शेयर, तो इसका असर नहीं मार्जिन में दिखा। लेकिन अब चीजें ठीक होती दिखाई दे रही है, एनालिस्ट बुलिश है कि भाई वॉल्यूम बढ़ेंगे मार्जिन बढ़ेंगे, ये अभी बुलिशनेस है दोस्तों। और इसी में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आप देखें इस रिपोर्ट को यहां पे, आप देखिए एस्ट्रल लिमिटेड पाइप वॉल्यूम टू इंप्रूव, ठीक है। एस्ट्रल लिमिटेड का जो पाइप वॉल्यूम है ये बहुत बढ़ने वाला है। एस्ट्रल मैनेजमेंट इंडिकेटेड डिमांड फॉर पीवीसी पाइप्स इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन हेल्दी इन सेकेंड हाफ फाइनेंशियल 23, ठीक है। फर्स्ट हाफ दोस्तों अच्छा नहीं था, कंपनी कह रही कि सेकेंड हाफ काफी अच्छा जाने वाला है। एज पीवीसी रेजिन प्राइसेस विल हैड करेक्टेड 38% फाइनेंशियल 23 टुडे हैव नाउ स्टार्टेड स्टेबलाइजिंग, जो ये पीवीसी रेजिन के प्राइस दोस्तों ये 38% टूट चुके थे और अनप्रेसिडेंटेड वे में टूट चुके थे, वो आप कह सकते हैं अब कुछ हद तक स्टेबलाइज होते दिखाई दे रहे हैं। ऑल्सो सी सम प्राइस इंक्रीजेस, और कई कई जगहों पे जो प्राइस है वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। नाउ द रैपिड फॉल इन पीवीसी प्राइस हैड्स रिजल्टेड इन इन्वेंटरी डी स्टॉकिंग बाय डीलर्स एंड ऑल्सो सम पोस्टपोनमेंट बाय एंड कंज्यूमर, ठीक है। देखिए दिस ट्रेंड इज लाइकली टू रिवर्स गोइंग अहेड, सम साइंस सीन ऑलरेडी इन क्वार्टर 3 एज पर अवर डीलर इंटरेक्शन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बहुत हद तक ना जो तमाम साइंस है ये पलट चुके हैं और जो ट्रेंड है ये क्वार्टर 3 में काफी हद तक कई कई जगह देखने मिल रहा है, जब हम जो आप कह सकते हैं जो डीलर से हमारा इंटरेक्शन होता है, विद पीवीसी रेजिन प्राइस नाउ शोइंग स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये अब कह सकते हैं हम कि काफी झलक है एक अच्छे क्वार्टर 3 के नंबर्स की। लेकिन देखिए ऐसा कहा जा रहा है,
नंबर्स कैसे आएंगे, रिजल्ट कैसे होंगे, ये तो हमको देखना पड़ेगा, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म ठीक है, स्टॉक अच्छा है दोस्तों, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत है, और मुझे लगता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो आपको ये स्टॉक आपकी रडार में जरूर रखनी चाहिए दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए, ये अपनी चीज दिमाग में रखिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।